हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो 2 बजे की बड़ी खबर, जबलपुर से फरार हुए कोरोना पॉजिटिव जावेद खान से जुड़ी आ रही है। और खबर यह है कि जो टीम जावेद को पकड़ने के लिए नरसिंहपुर गई थी उसमें शामिल थे सिटी एसपी रोहित केशवानी। अब रोहित केशवानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके साथ संपर्क में आए नरसिंहपुर के 12 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, जरा विस्तार से बताएं क्या कुछ और जानकारी आपको मिल पा रही है इस बाबत। देखिए, ये जावेद नाम का आरोपी था जिस पर एनएसए लगाया हुआ था। इसने इंदौर में डॉक्टर्स की टीम पे हमसे मारपीट की थी, उसका आरोपी था। इसको जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था क्योंकि कोरोना पॉजिटिव निकला था। इसके बाद फिर जबलपुर मेडिकल कॉलेज से फरार हुआ। फरार होने के बाद इसको नरसिंहपुर में बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया और वहां पर जब इसको लेने जबलपुर की टीम गई, जिसमें आईपीएस ऑफिसर जो प्रवेशंत हैं और अभी सीएसपी हैं, वो लोग जब इसको लेके गए और इसको लेके आए, इसके साथ उन्होंने इंस्ट्रक्शन किया, इससे पूछताछ की, तो इसके बाद उन्होंने जब अपना टेस्ट करवाया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। और उसके साथ जो पूरी टीम गई थी उन सबका टेस्ट हुआ, मगर सिर्फ जो आईपीएस ऑफिसर हैं जो सीएसपी पोस्टेड हैं जबलपुर में, सिर्फ उन्हीं का टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके अलावा जो नरसिंहपुर में जिन लोगों ने इससे इंटरोगेशन किया था जावेद इस आरोपी से, तो उन सबको क्वारंटीन करके रखा गया है। हालांकि उनका अभी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है, मगर आशंका तो ये भी है कि उनमें से जी ब्रजेश, दो बातें हैं। अब क्या ये जो पुलिसकर्मी इसके पीछे गए थे, क्या वो जो एहतियात बरतनी चाहिए वो चीजें क्या सामने नहीं आई? और दूसरी बात ये है कि ये पुलिसकर्मी क्या और पुलिस वालों के संपर्क में नहीं आए होंगे? देखिए, एहतियात तो उन्होंने बरती थी। हम लोगों के पास जो फुटेज आया था, जो हम लोगों ने दिखाया भी था, कि उन्होंने जब जावेद को पकड़ा तो उसको दूर बैठा दिया गया और इसको जो पीपीई किट पहन के बाद इसकी पिटाई की गई है। वो भी बड़ा दिलचस्प विजुअल था कि इसको जब मारा गया तो पीपीई किट पहने हुए थे लोग, मगर ऐसा लगता है कि इसको जिस गाड़ी में बिठा के लाए उसी गाड़ी में वो जो दूसरे पुलिस वाले भी रहे, तो जिसके चलते वो लोग भी संक्रमित हो गए हैं और उनमें से किसी एक ऑफिसर का पॉजिटिव आया है। बाकी के ऑफिसर से उनका अभी पॉजिटिव नहीं आया है, मगर उन सबको क्वारंटाइन में भेज दिया गया। दूसरी बात यह कि जो नरसिंहपुर जिला है, उस नरसिंहपुर जिले में अभी तक कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है, जबकि वो जबलपुर से जुड़ा हुआ है। मगर कल जो जिन लोगों ने इसको पहले पकड़ा है वो पुलिस की गश्ती दल, उन सबको क्वारंटीन भेज दिया गया है उनका। चलिए, शुक्रिया ब्रजेश राजपूत इस जानकारी के लिए आपका।